आइए फिर से आपका एक बार स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि डिप्रेशन के जो लक्षण है, जो ऐसे क्लियर कट नहीं है, मतलब ऐसा कोई भी बोलेगा नहीं इनको डिप्रेशन है, मगर रहता है डिप्रेशन, उसको हम बोलते हैं कि लेसर नोन साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, जो ज्यादातर मतलब माने जाते नहीं है मगर है उसको। एक मेरे पास में करीब करीब 65 इयर्स के एक व्यक्ति है, वो आए थे मेरे पास में, काफी जाने माने हस्ती है, और वो आए कि भाई मेरे पास में मतलब प्रॉपर्टी तो बहुत है मगर कैश क्रंच, मतलब कैश हाथ में नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी बेचने जा रही। अब जैसे ये डीमोनेटाइजेशन हो गया, नोटाबंदी हो गई, जीएसटी लागू हो गया, तब से जो प्रॉपर्टी के रेट है काफी डाउन हो गए। मतलब 1 रुपए की प्रॉपर्टी 50 पैसे में 70 पैसे में जाती है, तो वो बेच नहीं सकते हैं और कैश क्रंच है। और मुझे ऐसे कुछ तो भी ऐसा सुकून नहीं लगता अंदर मन में, कुछ तो भी ऐसा लगता है कि कुछ तो भी हो रहा है ऐसा, और ऐसा करके मेरे पास में आया हो। और दोनों लड़के हैं, बोले ऐसा वो ऐसा बोलते हैं वो कि नहीं भाई थोड़ा रुक जाओ, बाद में अपना जरा कैश आ जाएगा हाथ में, बाद में प्रॉपर्टी बेचेंगे। इनकम तो चालू है मगर इतनी नहीं है कि जितनी होनी चाहिए उतनी, और बाकी तो मेंटेन तो करना ही पड़ता है, कार मेंटेन करना पड़ता है, बड़ा बंगला है सब मेंटेन करना पड़ता है। थोड़ा उनको जब मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि एक तो उनको थोड़ा चिड़चिड़ापन अभी आजकल ज्यादा हो रहा है, इरिटेबिलिटी नंबर एक, और थोड़ा गुस्सा करते, बोले हाँ मैं करता हूँ जब उनको पूछा था। फिर उनको मैंने पूछा कि भाई आपको और ऐसा कुछ होता है क्या कि भाई याद नहीं रहता, याददाश्त कमजोर हो गई थोड़ी? हाँ बोले मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी याददाश्त कम हो रही है, तो उम्र के हिसाब से तो होनी है, 65 का हूँ, तो मेमोरी लॉस ही दूसरा इसमें मुझे दिखा। फिर तीसरा ऐसा था कि उनको गिल्ट लग रहा, गिल्ट ये बात का कि उनको ऐसा लगता कि भाई मैंने जितना काम करना चाहिए था बिजनेस में, या जितना बढ़ाना चाहिए था, जितना मैं पैसा कमा सकता था, जितना मैं बच्चों को बड़ा कर सकता था, उतना नहीं कर सकता, मेरे बच्चे मेरा ही कहना मानते नहीं है ना, वो जरा थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर के बच्चे हो गए, और उसमें मैं कुछ ना कुछ तरह से जवाबदार हूँ, जिम्मेदार हूँ, ऐसा उनको लगता है कि आज जो परिस्थिति है कि कैश नहीं है उसके लिए उनको गिल्टी भी लगता है। तो चौथा जो मैंने पहले बताया वो ऐसा कुछ तो भी अंदर से सुकून नहीं है, हम उसको मराठी में हुरहुर बोलते हैं, हुरहुर लगना है ना, ऐसा कुछ तो भी लगता है कि उनको नॉट एट ईज, या ऐसा बोलते मेरे को गमता नहीं है, कभी कभी ऐसा लगता है। तो ये हो गए चार। फिर पांचवा है सेल्फ ब्लेम, मतलब खुद को दोषी पकड़ना, खुद को दोषी पकड़ना उसमें, पांचवा कि नहीं मैं इसके लिए दोषी मैं हूं, ऐसा उनको लगता था। और फिर छठवा है कि छोटी छोटी बात के ऊपर बहुत ज्यादा सोचना, छठवा रुमिनेशन एंड ब्रूडिंग। तो ऐसे उनको लक्षण दिखे, फिर मैंने उनको पूछा आपको क्या लगता है कि ऐसा नर्वसनेस आता है, सैडनेस आता है? नहीं मैडम बिल्कुल सैडनेस नहीं है, दुखी बिल्कुल नहीं होता हूं मैं, अच्छा रोना आता है नहीं, मतलब जैसे जो एकदम टिपिकल साइंस है डिप्रेशन के, साइंस एंड सिम्टम्स लक्षण जो है वो उनको नहीं थे, मगर उनको ऐसा लग रहा था। मैंने बोला कि आप मेरे पास में भी आए हुए हो तो क्या मैं आपको दवा दे सकता हूँ? बोले नहीं नहीं दवा क्यों देते, दवा लिया तो फिर नाम खराब हो जाता है, लोग बोलते हैं आपको दिमाग में, तो ऐसे आ गया कि भाई आप मेरे को कुछ तो बताओ क्या करना चाहिए करके। मैंने बोला भाई आपको डिप्रेशन है ऐसा मुझे लगता है, और एंटी डिप्रेशन ले लिया तो जल्दी अच्छा हो जाएंगे, काउंसलिंग तो करूँगा मैं, मानसोपचार करूँगा, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है मेरे पास में, हिप्नोथेरेपी है, सभी तरह के मेडिटेशन मैं आपको सिखाऊंगा, सब तो करूंगा ही करूंगा। उन्होंने पूछा नहीं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कर सकते क्या, NLP? अभी आजकल क्या हो गया कि लोग डाटा मतलब डेटा देखते रहते हैं, इंटरनेट पे जाते रहते हैं, कभी सारा उनके पास डेटा फ्री है तो डेटा का इस्तेमाल कर, NLP हो, मतलब NLP भी हो सकता है, मगर आप मेरे हिसाब से आप थोड़ी दवाई ले लो, और ये दवाई ऐसी कि आपको डाउन करेंगे नहीं, ना आपको बहुत ज़्यादा नींद देंगी, या ना ये दवाई देख के कोई आपको बोलेगा कि नहीं भाई आपका पागल हो गए क्या, मतलब ऐसा कुछ भी होगा नहीं, आप एकदम माइल्ड दवाई है मगर आप ले लो ये। तो उनको मैंने थोड़ी एंग्जियोलाइटिक और एक थोड़ा कम मात्रा में एंटी डिप्रेशन दिया, और उनको मैंने बोला कि आप मेरे पास में काउंसलिंग के लिए आप आ जाओ, आप बोलते काउंसलिंग करना है तो आ जाओ, बोले ठीक है, व्यस्तता के कारण वो कुछ आ नहीं सके काउंसलिंग के लिए, मगर 15 दिन बाद में मेरे पास में आए, बोले मुझे बहुत फर्क पड़ गया, बहुत ही फायदा दिख रहा है मुझे, तो आप जो बोल रहे थे वो सही था कि मुझे डिप्रेशन था, क्योंकि वो डिप्रेशन ये रूप में मुझे दिख रहा था, मतलब कितना फायदा हो गया, 50% फायदा मुझे हो गया, मतलब बहुत ही अच्छा है, वेरी गुड, तो आप अभी काउंसलिंग करना चाहोगे या कुछ बातचीत करेंगे, कुछ सेशन करेंगे? बोले अभी जरूरत ही नहीं है मुझे, अभी थोड़ी दवाई अभी ये दे दो, थोड़ी बढ़ा के दे दो तो मेरे को और 100% फर्क पड़ जाएगा। मतलब ठीक है, थोड़ी और उनको दवाई मैंने बढ़ा के दिया, मतलब अभी और 2 हफ्ते आप दवाई लेते हैं तो बहुत फायदा हो जाएगा। 2 हफ्ते के बाद में और फिर मेरे पास में आया, बोले मेरे को 100% फायदा दिख रहा है। अभी मेरे को डर ये है कि अभी मैंने कितने दिन दवा लेना चाहिए, मतलब देखिए साहब आपको 6 से 9 महीने तक ये दवाई लेनी पड़ेगी, नहीं तो फिर ये रिलैप्स हो जाएगा, क्योंकि ये डिप्रेशन जो है आपका ये पूरी प्योरली केमिकल इम्बेलेंस के वजह से डिप्रेशन हो रहा है, क्योंकि मैंने दवाई दिया और आप अच्छे हो गए, मैंने गोली दिया एंटी डिप्रेशन आप अच्छे हो गए, तो ये प्योरली जो
ट्रांसमीटर से भेजे के ब्रेन के मस्तिष्क के उनकी मात्रा कम हो जाती है या उसमें इनसेंसिटिव रिसेप्टर्स हो जाते हैं, उसके वजह से ऐसा हो जाता है। तो ये दवाई ने बहुत अच्छा काम किया और जो ट्रांसमीटर्स न्यूरोट्रांसमीटर्स उनकी एक्शन जो है वो उसको बढ़ावा दिया गया और आप डिप्रेशन से अच्छे हो गए। बोले ठीक है, मैं आप जैसा बोल रहे वैसे मानूंगा और मैं 6 से 9 महीने तक दवाई लूंगा। उन्होंने मेरे को धन्यवाद देके मेरा क्लिनिक छोड़ दिया। मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि साइकेट्रिस्ट के पास में मतलब कोई ऐसा जाता नहीं है कि मेरे को ऐसा हुरूर लग रही है या ऐसा सुन मतलब ऐसा कुछ तो भी गमता नहीं है, ऐसा उनको लगता है ये तो क्या थकान आ गई करके हो रहा है या ये तो क्या पैसे का क्रंच करके ऐसा हो गया। ये तो कारण है कि पैसे का क्रंच आ गया, लिक्विडिटी नहीं है, एक कारण हो गए, मगर अंदर से डिप्रेशन जो है वो तो है ही है, केमिकल इम्बैलेंस है वो तो है ही है। तो इसके लिए आपने जागरूक होना चाहिए। आपके आजू बाजू मतलब ऐसे कितने सारे लोग होंगे कि वो आजू बाजू में आपके वो डिप्रेशन से ग्रसित होंगे, उनको मालूम ही नहीं है कि आपको डिप्रेशन उनको है करके। ऐसे लक्षण है कि वो डिप्रेशन करके हम बोलेंगे भी नहीं। आप ये वीडियो लोगों को शेयर करेंगे ना, काफी लोगों को फायदा होगा और उनका जीवन वो अच्छी तरह से जी सकेंगे। तो ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और 1100 लोगों को यहाँ से इससे डिप्रेशन से मुक्त करने में आपका हाथ लगाओ। हमारा जो मिशन है वो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, उसमें आप हमारे पार्टनर बनो। आप हमको ऑनलाइन काउंसलिंग भी कर सकते हैं, नीचे नंबर दिए हुए हैं उसके ऊपर काउंसलिंग कर सकते हैं, या यहाँ आके आप पेशेंट को एडमिट कर सकते हैं। हमारा जो हॉस्पिटल है वहाँ रिश्तेदारों के साथ में हम भर्ती करते हैं, रिश्तेदारों के अलावा लोगों को भर्ती करते हैं, लोगों को अच्छा करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।